जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत जो रिपोर्टिंग वर्ब आता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा रहता है, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं रहता है, कंजक्शन कहाँ पर लगता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड आता है उसको कैसे तब्दील किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब सैड को किस तरह बदला जाएगा, अर्थात इसमें टेंस कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड रहेगा यानी पास्ट टेंस रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस रहेगा तब इसके टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, या पर्सनल प्रोनाउन में इसमें किस प्रकार के चेंज होते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चूंकि यह यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 9th हो 10th 11th 12th सभी के चैप्टर सिलेबस में ये दिया हुआ है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है सबको तो मालूम है, इसमें सिलेबस भी कुछ कम हो गया है, तो लेकिन जो ग्रामर वाला ऐसा चैप्टर है सिलेबस है जो हमेशा आपके यूज में हमेशा आता रहेगा, आप कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तब भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आते ही रहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप कंसेप्ट अपना सही कर लेंगे, बहुत ही कम ही समय में आप जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले जानें कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, अपने ही कहे हुए बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे हम ही कोई वाक्य कह रहे हैं तो जो वाक्य हम कहेंगे जो बात कहेंगे वही डायरेक्ट स्पीच होगा, और जब हमारे बात को किसी अन्य के द्वारा या किसी अन्य के शब्दों में कही जाएगी, जब मैं कोई बात कह रहा हूँ वह बात किसी अन्य के शब्दों में या किसी अन्य के द्वारा जब कही जाएगी तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके पश्चात कामा लगता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह डबल इनवर्ट कामा के अंदर रहता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसके बाद यह हटता है तो क्या होता है। तो ये देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, जैसे राम सैड यू आर गुड बॉय, राम सैड यू आर गुड बॉय, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। ये जो जितना वाक्य है डायरेक्ट स्पीच है, या कोई और लिख सकते हैं, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल, ये डबल इनवर्ट कामा। अभी देखिए, ये जो डबल इनवर्ट कामा के अंदर ये रहता है और ये कामा के पहले रहता है। अब इसको देख लीजिएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेकंड। अब पहले ध्यान से समझ लीजिएगा सेकंड वाले वाक्य को हम ले रहे हैं। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका क्या है, सेकेंड पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे या आर भी कह देंगे, ठीक। अभी सेकेंड वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं, इसको आर एस भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये समझ लीजिएगा, अब ये जो कथन है, जैसे ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष कथन है। क्या है, प्रत्यक्ष कथन, जिसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये तो सेकंड वाला पार्ट डबल इनवर्टेड कामा के अंदर है और ये कामा के पहले है। अब इसको हटाने के लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले फर्स्ट वाले को ले लीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राम सेड। अब यहाँ पे कंजक्शन डायरेक्ट, अब देख लीजिए जितने भी सिंपली जो जनरली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से संबंधित जितने भी वाक्य रहेंगे तो उसको बनाएंगे, तो जब डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा, ये डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तब जब डैट का प्रयोग करेंगे तो ये डबल इन्वर्ट कामा हट जाएगा। अब देखिएगा, अब एक बात और समझ लीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि राम सैट के बाद ऑब्जेक्ट रहता, ठीक, तो यहाँ पर जैसे सैड टू मी लिखा गया है तो यहाँ पे सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, कि इसको सैड को टोल्ड में बदलेंगे, जब इसके पास सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब, और नहीं है तो राम सैड को राम सैड ही लिख दिए हैं, ये ध्यान देखिएगा। अब देखिएगा, अब देखिए यू आर गुड बॉय, अब यहाँ पे देखिएगा ये है, आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे,
पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। ये आपको पढ़े होंगे, स्टडी होगा पहले से। तो अब देखिएगा इसमें जो पर्सन भी चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सन चेंज कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा ये जब भी ट्वेल्थ तक जाएंगे या ट्वेल्थ में पढ़ रहे होंगे या आगे कंपटीशन में जाएंगे तहां तक यह काम करेगा। तो पर्सन समझ लीजिएगा, उसके लिए एक होता है यस ओ एन इजकल टू वन टू थ्री, अर्थात यस ओ एन बराबर एक दो तीन होता है। अब इसको समझ लीजिएगा, इसको हम दो पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक, दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा, एक बना के हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ही वाज गुड बॉय, ठीक। अब डबल यूनिट कामा हट गया, फुल स्टाफ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ही हो गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे ही कैसे हो गया है, यहाँ पे डैट तो कंजक्शन ऑलरेडी डैट लगेगा, डबल यूनिट कामा हटेगा। तो अब इसी को हम समझा रहे हैं, इसी को हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक इरेज कर दे रहे हैं। अब हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, क्या लिखा गया है, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल। अभी देखिएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, फर्स्ट पार्ट बराबर लिख लिए यस ओ एन, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में लिख लीजिए वन टू थ्री। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेंगे तो समझिए आपको नरेशन आ गया, एकदम चुटकियों में आ गया, आसानी से साफ कर ले जाएंगे। अभी वन की, वन का मतलब ये हो जाएगा इस वाले पार्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, ये जितना रिपोर्टेड स्पीच, ये जो तीनों वन टू थ्री जो कहा जा रहा है इस वाले पार्ट के लिए, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के लिए कहा जा रहा है। और जो यस ओ एन की बात कर रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब इस वाले वाक्य की बात कर रहा है, ठीक है। यस ओ एन इससे तुलना किया जाएगा और वन टू थ्री इस वाले रिपोर्टेड स्पीच से तुलना किया जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब वन का मतलब ये हो गया कि इस वाक में वन यानी फर्स्ट पर्सन कर रहा है, इस वाक में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आया हो तब ए, उसका मतलब वन का मतलब ये हो जाएगा। सेकंड का मतलब ये हो जाएगा, इस वाक में कहीं भी सेकंड पर्सन आया हो तो, सेकंड पर्सन आया हो तो। और थर्ड का मतलब ये हो जाएगा, इस वाक में कहीं भी थर्ड पर्सन आया हो तो। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी आया हो, आई वी का ऑब्जेक्ट भी आया हो या उसका पॉजिटिव भी आया हो। सेकेंड का मतलब इस वाक में उसका सब्जेक्ट आया हो या ऑब्जेक्ट आया हो या पॉजिटिव आया हो, कहीं भी यहाँ से लास्ट तक इस वाक में कहीं भी। थर्ड पर्सन का मतलब ये हो गया, इस वाक में कहीं पे भी इसका ही सी इट यानी सब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट हीम हर आया हो या देम आया हो, या इसका पॉजिटिव हिज हर देयर कहीं भी इस वाक में आया हो, उसकी बात कर रहा है। अब देखिए, यस का मतलब सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, इस वाक्य के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। एन का मतलब नो चेंज, अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार और। यस का मतलब, अब यहाँ पे देखिएगा, यस का मतलब क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कर्ता, सब्जेक्ट होता है। ओ का मतलब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कर्म। एन का मतलब हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। अब एन का मतलब यहाँ पे देखो, वन का मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये टू का मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई वी आ जाएगा, सॉरी आई और वी आ जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू ही सिर्फ आता है और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा ही सी इट और दे और नाम वगैरह भी आ जाता है, ठीक। अब इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा तीनों, इन तीनों का, इसका सब्जेक्ट भी, पॉजिटिव भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट भी आ जाएगा। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसकी तुलना इससे करेंगे, जो वन है इससे मिलाएंगे यस से, ठीक। देख लीजिएगा, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज कैसे होगा इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इस वाक्य में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन या आई और वी आया हो तो, आई और वी आया हो या आई और वी आया हो, अस आया हो, माई आया हो, ठीक, आवर आया हो, तो इसके इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, चेंज होगा। यानी सब्जेक्ट मतलब ही के अनुसार चेंज होगा, ही सब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इस वाक में कहीं भी आया हो या पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव चेंज होगा उसी के अनुसार, ठीक। अब सेकेंड पर्सन का मतलब ये हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यानी इस वाक में यदि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें सेकेंड पर्सन आया है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट है
तो इसके अनुसार मी है तो इसका आई हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो मी का क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है, यदि पॉजिटिव चेंज होगा तो पॉजिटिव का जैसे यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। यानी इस वाक्य में जो चेंजिंग होगा सेकेंड पर्सन कहीं पे आया होगा तो इस वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। एक बताओ, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो ऑटोमेटिक थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ के थ्री का मतलब क्या हो गया, थ्री का मतलब ये हो जाएगा, इस वाक्य में कहीं पे भी थर्ड पर्सन आया हो, इस वाक्य में कहीं पे भी थर्ड पर्सन आया हो तो क्या होगा, यन मतलब नो चेंज, यहाँ लिखे है ना नो चेंज, यानी वह नहीं बदलेगा। ठीक, अब इतना तो समझ में आ गया कैसे कैसे ये चेंज होगा। इस यस ओ एन इजकल टू वन टू थ्री, इसको आप याद कर लेंगे, यस ओ एन इजकल टू वन टू थ्री, यस ओ एन इजकल टू वन टू थ्री। अब इसको बनाएंगे, देखिएगा, अब ही सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड, जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। अब जो इन्फिनिटिव टू है इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद कंजक्शन डबल इनवर्ट का हटाएंगे तो डैट लगेगा, क्या हो जाएगा, डैट, ही टोल्ड मी डैट हो गया। उसके बाद यू किसके अनुसार चेंज होगा, हम बोले ना यानी सेकेंड पर्सन इसमें आया हुआ है तो सेकेंड पर्सन क्या है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो मी एक सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, आई। ठीक, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके अगले वाले टेंस में, अब सुन लीजिएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे यदि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस चेंज हो जाएगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस हो जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, इसमें आएगा तब। ठीक, और एक और रूल है, यदि यहाँ पे भी पास्ट है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं, यदि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम जैसा का तैसा क्या करेंगे, लिख लेंगे, सिर्फ पर्सनल जो प्रोनाउन है वो इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये आपको सही हो गया, I was going to school। एक बात और, यदि इस वाक्य में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो वाक्य है यहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो या प्रेजेंट टेंस का, कोई भी हो, जैसे टेंस के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं और प्रत्येक तीन के चार चार उप प्रकार होते हैं टेंस के, तो जो प्रेजेंट टेंस के चार उप प्रकार हैं यहाँ पे प्रयोग किया गया हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके टेंस में क्या कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहीं पे यदि फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे शैल का, विल का ठीक प्रयोग किया गया हो और यहाँ पे पास्ट टेंस हो तो शैल को हम शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं। ठीक, इतना तो आपको नॉलेज है, ये आसानी से बताया जा सकता है, बताया गया है। अब सुनिए, यदि यह इंटरगेटिव आता है, ठीक, इंटरगेटिव, यदि यह इंटरगेटिव आता है तो इंटरगेटिव में यदि वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंटरगेटिव है तो उसमें इंटरगेटिव में क्या होता है ये समझ लीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार और इसको समझ लीजिएगा, यह वन टू थ्री यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस वाक्य में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन आया हो, सेकेंड पर्सन आया हो, थर्ड पर्सन आया हो, उसकी बात कर रहा है। यस ओ एन इज इक्वल टू इस वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंजिंग की बात कर रहा है, तो वन का मतलब सब्जेक्ट से परिवर्तन होगा, ही से, यू सेकेंड पर्सन आया तो इसके ऑब्जेक्ट से परिवर्तन होगा, इसमें थर्ड पर्सन आया हो तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इंटरगेटिव की बात कर ले रहे हैं, इंटरगेटिव से संबंधित जो वाक्य होते, जैसे देखिए, ही सैड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, पहला आ गया। दूसरा देखिए, ही सैड टू मी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, दो वाक्य आपके सामने दिख रहा है। अब यहां पे देखिएगा, इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से प्रारंभ होता है, ठीक, एक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो देखिए, जब इंटरगेटिव का रूल ये होता है, पहले तो यहाँ पे यदि सेड दिया है तो इसको आस्क में बदलते हैं, ठीक, आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यहाँ पे दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कंजक्शन इफ लगेगा, ठीक,
यदि डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन से शुरू होगा तो जो डब्ल्यू एस टाइप होता है वही क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब पहला जो हम बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इन्फिनिटिव हट जाएगा मी। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ हो जाएगा, इफ इफ इफ। अब इसके बाद ये वाक्य क्या होता है, जनरल बन जाता है, जनरल में चेंज कर देते हैं इसको जनरल में, तो क्या हो जाएगा जनरल में क्या हो जाएगा, इफ ही किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो यू है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, पूरा रूल पहले जैसा ही काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई आई। उसके बाद टेंस में हम परिवर्तन करेंगे पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। देखिए क्या चिन्ह, आस्क्ड हो गया, कंजक्शन इफ लगा है, बाकी जो वाक है जनरल बना देते हैं, कब, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब इफ लगा देंगे। जब यहीं पे दूसरा देखिएगा, ये तो आपका पहला है, अब यहीं पे आप दूसरा देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हाट से शुरू हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, व्हाट को ही हम क्या कंजक्शन बना लेंगे, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट, ठीक, व्हाट ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये यू आया, यू रहा है, तो इसके व्हाट इज है ना, तो व्हाट माई नेम, इसको वाज में बदल देंगे, वाज, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या है, हिप लगा है, और यहाँ पे सेट को हम आस्क में बदल दिए हैं। दूसरे में यदि डब्ल्यू एच टाइप आएगा, जैसे हो गया हू, वाई, वेयर, हाउ, वेन, मतलब ये सब आएगा, तो उसको ही हम क्या कंजक्शन बना लेते हैं, कंजक्शन बना करके शेष वाक्य को सिंपल तरीके से बदल देते हैं। और जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, यानी पर्सन जो उसमें आएगा तो पूर्व के अनुसार ही उसमें बदला जाएगा, तब्दील किया जाएगा। और इसमें जो टेंस होते हैं, यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसके अनुसार अगला भी चेंज होगा, यदि फ्यूचर टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी तरह वह सिंपल में ले जा करके चेंज करके हम कन्वर्ट कर देंगे। तो जो नरेशन का है, उम्मीद है कि या ये जो समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में और भी बात करेंगे इससे रिलेटेड, जो भी न्यू टॉपिक होगा या इसका अगला जो पार्ट है हम लेकर के आएंगे। इस चैनल पे हमने आए तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड चैनल है इस पे यूपी बोर्ड से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर्स मैथ 9 से 12 तक वही अपलोड किया जाएगा। ठीक, एक और मेरा चैनल स्टूडेंट दरबार, उसको भी आप जा करके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।